अहमदाबाद पर विजयवाड़ा कोविड केयर केन्द्र में अग्निकाण्ड फल सात रोगी मृत्यु होता सूचना मिली। आंध्रप्रदेश विजयवाड़ा कोविड केयर केन्द्र में अग्निकाण्ड घटी। सरकार पक्ष स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड केयर केन्द्र कर प्राय 30 जन कोरोना रोगी एठार चिकित्सित होते एथसह 10 जन स्वास्थ्यकर्मी सेत्न ने किसी रोगी अवस्था गुरुतर या बेले आउ कि रोगी पत्ता मिलूनी तेणु मृताहत संख्या बढ़िया नहीं आशंका। छटी दमकल गाड़ी निआं को आयत्त करिबारे सफल होती सका प्राय 5टा बेले अग्निकाण्ड घटी जमापड़ सेतेबेले समस्त रोगी सोइथिले। घटना को नहीं स्थानीय अंचल शोकर छाय खेली जाइछि। एक घटना रे तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री। कोविड केयर केन्द्र में अग्निकाण्ड घटन दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मृतकों परिवार प्रति संवेदना जन प्रधानमंत्री। आहतों आशु आरोग्य कामना कर आंध्र मुख्यमंत्री कथा होती प्रधानमंत्री मोदी। सेपरी गृहमंत्री अमित शाह घटन दुख प्रकाश करने मृतकों परिवार प्रति संवेदना जन। अधिक आलोचना करिबा हम प्रतिनिधि इशाक मोहम्मद अच्छा हम सहित फोन लाइन में। इशाक जी जानना चाहते अभी कैसे लगी आग, कारण के बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? प्रतिनिधि का सह जोगाजोग विच्छिन्न हो जाएगी, किसी यांत्रिक त्रुटि रही पुणि थे आपको पूरा घटना कही रखु। अहमदाबाद पर घटना वर्तमान पुणि थे देखा मिली। विजयवाड़ा में कोविड केयर केन्द्र में अग्निकाण्ड होगा फल सात जन रोगी मृत्यु हो। आंध्रप्रदेश विजयवाड़ा में कोविड केयर केन्द्र में अग्निकाण्ड घटी और सरकार पक्ष स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड केयर केन्द्र कर प्राय 30 जन कोरोना रोगी एठार चिकित्सित होते एथसह 10 जन स्वास्थ्यकर्मी जत्न ने किसी रोगी अवस्था गुरुतर अच्छी आउ कि रोगी पत्ता मिलूनी। मृताहतों संख्या बढ़िया नहीं आशंका। छटी दमकल गाड़ी निआं को आयत्त करिबारे सफल होती। पुणि थे जोड़ी हो जाती आम प्रतिनिधि इशाक मोहम्मद। इशाक जी जानना चाहते कैसे लगी आग और कारण के बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या अभी? आज सुबह में जब शॉर्ट सर्किट के बाद जो है ना ये आग लगी। ये पूरे 5 स्टोरेज बिल्डिंग है जहां 3rd स्टोरेज पे कोविड पेशेंट को रखा गया। पूरे 30 पेशेंट जो थे उसके बाद जो है ना 10 लोग जो मेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर्स वगैरह नर्सेस वगैरह वो थे और दूसरे हॉस्पिटल के स्टाफ भी थे। मगर एकदम जब आग ऊपर लगी और धुआं के वजह से जो पेशेंट थे वो बाहर निकल नहीं पाए। जो अंदर से सीढ़ियां जो थे वो भी अंदर से थी, इसलिए पूरे आग के लपेट में आ जाने से पूरे 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो 8 लोगों को कर दिया है मगर हॉस्पिटल की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे 10 लोग मौत हो गए जिसमें 7 लोगों की शिनाख्त भी हो गई। और बाकी जो है ना जो ऑफिशियल्स है पूरे यहाँ पे आगे पूरे जहाँ इंसिडेंट कैसे हुआ क्या वो पता करें। और दूसरी तरफ जगन हुकूमत के तरफ से जो डेथ है उन लोगों के लिए 50 लाख रुपए दी जा रहे हैं। इशाक जी जो सूचना में आया है और कुछ लापता है उनके बारे में कुछ पता मिल पा रहा है क्या, कहाँ गए कैसे गए? कुछ लोग जो बाहर रेस्क्यू किए गए थे उन लोगों को हॉस्पिटल में ले जाके ज्वाइन किया मगर वो जब एम्बुलेंस और जल्दी में थे वो दो तीन हॉस्पिटल में ले आके ज्वाइन किए और कुछ लोग बाहर भी आ गए। मगर ये पता चलना है कि कितने लोग जो है ना अभी पूरे लोगों के डिटेल्स पूरे मालूम होने पर पूरा वाकया जो है ना पूरे कितने लोग और क्या बोल जाएगा। और फिलहाल तो 10 लोगों की मौत बताई जा रही है जिसमें 7 लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी होगी। और पूरा मलबा वहाँ पे हटा जा चुका है क्या? नहीं, अभी तो अंदर से धुआं आने की है। जो फायर ब्रिगेड के जो है सभी अंदर जाके जो धुआं को पूरा तरह से चेक कर रहे हैं कि कहीं आग और भी ना है। कहीं फोम और जो है ना पूरा जो होटल है वो पूरा फोम और सोफा वगैरह ये सभी रहते हैं तो इसमें जो आग फिर से आने की आशंका है। तो इसलिए जो है ना पूरी आग तो पूरे एरिया को पूरे पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और दूसरी तरफ जो है ना पूरी जांच पड़ताल अंदर जाके पूरी फायर ब्रिगेड के जो लोग है वो पूरी कर रहे हैं और वही दूसरी तरफ जो हायर ऑफिशियल्स है पुलिस और दूसरे लोग वही भी आके इंसिडेंट कैसे हुआ क्या कितने लोग है वो भी पता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां हॉस्पिटल में ज्वाइन होने के लोग है वहां उनको भी
देखरेख की जा रही है। तो इसक जी अंदर कितने जन थे, कुछ पूरा प्रॉपर एक नंबर सामने आ रहा है क्या? पूरे 40 लोग, यानी 30 पेशेंट और 10 लोग जो है ना वो है, और दूसरे जो है ना जो होटल के स्टाफ है वो 20 लोग है। मगर जो 20 लोग हॉस्पिटल में, कितने लोग बाहर आए वो अभी पता नहीं चला। जो हॉस्पिटल जो होटल के मैनेजर है वो पता कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो पूरी कितने लोग की मौत हो गया और कितने लोग घायल हुए वो भी। अब कुछ लोग जो घायल हुए, 4 लोग जो है ना अस्पताल में है, और जो सीरियसली इंजर्ड लोग है वो भी अस्पताल में है। जो दूसरे जो कोविड पेशेंट है उनको दूसरे कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है क्या अभी? हाँ, फिलहाल यहाँ से जो लोग बाहर निकाले गए उन्हें इमीडिएट होने वो कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, और जो बाकी लोग जो अटेंडर्स और डॉक्टर्स वो लोग है वो अभी रिपोर्ट करना बाकी है। बाहर जो इंसिडेंट हुआ तब वो बाहर भाग दौड़ में कितने लोग चले गए ये कुछ पता नहीं चल सका, तो इसलिए जो है ना पूरा वाकया जो पूरा मामला जो है ना बाहर आने की पता चलेगा कितने लोग पूरे है घायल हुए और कितने लोग की पूरी मौत हो गई। मगर अब तो फिलहाल 10 लोग मौत की मौत बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इशाक जी तमाम जानकारियों के लिए। हम प्रतिनिधि इशाक मोहम्मद सीधा सड़क हमको फोन जोगे जहाँ सूचना देउथिले वर्तमान पूरा नंबर केते जणकर मृत्यु होईछि एवं केते जण गुरुतर अछन्ति से नै कि पूरा संख्या जानिबा बाकी अछि, किंतु जहाँ हॉस्पिटल पक्षरु कहा जाउछि जे 10 जणकर मृत्यु होइछि, किंतु सरकारी सूत्ररु पुष्टि होउछि 7 जणकर मृत्यु होइथिबा नै, अन्य केते जणकर पत्ता मिलुनि। तो पूरा घटना वर्तमान तदंत परिसरभुक्त अछि, तापरे ही प्रकृत तथ्य सामना को आसिबा।